एस एस की ज्यादा होती है। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से बनता है। और अगर शेयरिंग आपकी ज्यादा है ठीक है, तो आपका वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा। अब शेयरिंग ज्यादा है कम है किस पे डिपेंड करता है? आपके ऑर्बिटल्स पे, या जो एटम हम काम में ले रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो बॉन्ड आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है ठीक है। और ओवरलैपिंग ज्यादा कब होगी? जब आपका सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, सेम टाइप के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वो ओवरलैप सबसे ज्यादा होगा, अतिव्यापन ज्यादा होगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होगा? स्ट्रोंग होगा ठीक है। ये दो तीन पॉइंट्स है। पहले हम ये लिखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, अगर उसको स्ट्रोंग करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर काम में लेने हैं जिससे वो स्ट्रोंग बनेगा ठीक है। ये पहले आप इतना लिखो, हेडिंग डाल लो पहले, संयोजकता बंध सिद्धांत आपका पहला ही। अच्छा, हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आपका पहला ही टॉपिक है वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, शॉर्ट में इसको वीबीटी बोलते हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में ना चल के हम चलेंगे वीबीटी के साथ ठीक है। अब संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, उससे पहले हम लिख रहे हैं डेफिनेशन कि संयोजकता बंध क्या होता है और उसको अगर हमें स्ट्रोंग बनाना है तो क्या क्या फैक्टर काम में आते हैं ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखो, जब तत्वों के मध्य या परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है, तो उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखो, दो परमाणुओं के मध्य स्थायी बंध बनाने के लिए, फॉर ए स्टेबल बॉन्ड, हमें दो कुछ फैक्टर्स या कुछ कंडीशंस माननी पड़ेगी। दो परमाणुओं के मध्य स्थायी बंध बनाने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होता है। दीज कंडीशंस आर अप्लाइड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। निम्न शर्तों का पालन करना होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, परमाणुओं के कक्षक एक ही दिशा में होने चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एटम्स सिमिलर होनी चाहिए, विल बी सेम। परमाणुओं के कक्षक की दिशा समान होनी चाहिए ठीक है, जिससे उसमें अतिव्यापन अधिकतम हो, ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो।
ठीक है, ओवरलैपिंग उसमें क्या हो, मैक्सिमम हो। दूसरा पॉइंट लिखो, बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले हो। बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स समान ऊर्जा के हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, बंद में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, अनपेयर्ड हो। ठीक है, अयुग्मित हो इसका मतलब क्या है, अयुग्मित क्यों लेते हैं हम, क्योंकि अगर पेयर्ड होता है तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। जब भी एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपोजिट स्पिन के होते हैं, विपरीत चक्रण के होते हैं। एक अक्षक के अंदर जब वो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो विपरीत चक्रण के होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट आसानी से नहीं करेंगे। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो बहुत आसानी से दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सांझित होकर या फिर कंट्रीब्यूट करके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अतिव्यापन करने वाले कक्षक संकरित होने चाहिए। अतिव्यापन करने वाले कक्षक संकरित हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। ऑर्बिटल्स या कक्षक संकरित होने चाहिए। अब संकरित क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिड जितने भी कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, अगर वो सेम एनर्जी के हैं सारे के सारे ऑर्बिटल, तो वो दूसरे वाले एलिमेंट के साथ में उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही बॉन्ड आपका क्या बनेगा, स्ट्रोंग बनेगा। ठीक है, ये फैक्टर थे। एक इसमें लास्ट और लिख लो कि अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है तो बॉन्ड भी स्ट्रोंग बनता है। ऑन इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रोंगर। जितने ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही वो बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रोंग बनेगा। ठीक है, ये था कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, और ये कोवलेंट बॉन्ड अगर हमें स्ट्रोंग बनाना है, प्रबल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है। तो हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है, एक तो आपके दोनों जो ऑर्बिटल है, दोनों एलिमेंट के या दोनों तत्वों के दोनों ऑर्बिटल एक ही दिशा में होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने एक पी ऑर्बिटल ले लिया, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ठीक है, एक ऑर्बिटल हमने ले लिया पी वाई, और एक ऑर्बिटल हमने ले लिया पी एक्स। ठीक है, पी ऑर्बिटल इसी तरह से होता है दो लोब का, ठीक है, विद ए नोड। तो अगर हमने एक पी वाई ले लिया, एक पी एक्स ले लिया, तो यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग बहुत कम होगी, ये बिल्कुल नेग्रेक्ट ही मान लेते हैं हम उसको। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, दोनों ही पी एक्स ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इन दोनों में से स्ट्रोंग बॉन्ड कौन सा बनेगा, जिसमें ओवरलैप जो है वो आपका ज्यादा हो रहा है। पीएक्स पीएक्स वाले में ओवरलैप ज्यादा होगा और स्ट्रोंग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो आपका स्टेबिलिटी जो है उस कोवेलेंट बॉन्ड की, उस सहसंयोजक बंध की स्थायित्व का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा क्या था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो समान ऊर्जा के कक्षक के होने चाहिए, यानी ऐसे ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि सेम एनर्जी का हो। ठीक है, सेम एनर्जी का कैसे, मतलब
अगर हम एनर्जी देखें ऑर्बिटल्स की, वो कैसी चलती है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से, ठीक है। अगर हम 3p वाले एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं किसके साथ, दूसरे किसी एलिमेंट के 3p के साथ, तो ये मैक्सिमम होगा। 3p वाले का 2p वाले के साथ करेंगे तो थोड़ा कम होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग आपकी कम हो जाएगी, अतिव्यापन आपका कम हो जाएगा, और अतिव्यापन कम होगा तो बॉन्ड की स्ट्रोंगनेस भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि अगर अनपेयर्ड है तो वो बहुत आसानी से पेयर्ड होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, इसलिए इससे स्ट्रोंगर बॉन्ड बनता है, ठीक है। चौथा क्या है कि ये हाइब्रिडाइज होने चाहिए। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है कि अगर ये हाइब्रिडाइज होंगे तो सेम एनर्जी के होंगे, अगर सेम एनर्जी के हैं तो आपका ओवरलैप भी उतना ही आसानी से होता है, उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है कि अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो आपका स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये हमारी क्या थी, कंडीशंस थी। अब वैलेंस बैंड थ्योरी किसने दी थी, लिख लो इसको, वैलेंस बैंड थ्योरी हाइटलर और लंदन ने दी थी। हाइटलर और लंदन ने दी थी, और इसको इसमें करेक्शन करके या इसको संशोधित करके 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने यह सिद्धांत दिया। पॉलिंग और स्लेटर, आप मेनली ये याद रखना, ये वैलेंस बैंड थ्योरी किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी, ठीक है। 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने दिया, ठीक है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना, यह सिद्धांत परमाण्विक कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है। परमाण्विक कक्षकों के रेखीय संयोजन, LCAO जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये VBT जो है वो किस पे बेस्ड होती है, LCAO पे, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको LCAO बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या रेखीय परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LCAO, इसके ऊपर ये बेस्ड होती है। अब ये क्या चीज होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेखीय संयोग क्या होता है, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो किसके बीच में बनता है, ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। ऑर्बिटल्स का रेखीय संयोग या लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे हमने किया पीएच और पीएक्स का, ये क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन था दो ऑर्बिटल्स का, तो यही हमारा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम के ऑर्बिटल्स का हमने क्या किया, लीनियर ओवरलैप करवाया है या लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको ही हम क्या कहते हैं, या इसी पे बेस्ड है हमारी क्या, VBT, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखो, VBT के अनुसार परमाणुओं के कक्षकों में, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के सांझे से, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के सांझे से
सहसंयोजक बंध बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स. नेक्स्ट लाइन, इसी में नेक्स्ट लिखो, यह इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत होता है. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोकलाइज्ड बिटवीन द एटम्स. यह इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत होता है, लोकलाइज्ड होता है. यानी अगर हम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, है ना, तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड नहीं होते हैं, विस्थानीकृत नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड का कंपैरिजन करें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, आसानी से हम उनको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं. ठीक है, जिससे हमारी क्या बनती है, एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है. ठीक है, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स होते हैं, यानी लोकलाइज्ड या स्थानीकृत होते हैं, ना कि डीलोकलाइज्ड. ठीक है, रीजन क्या है, रीजन यही है कि वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग से बनते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसको तोड़ने के लिए या इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतनी ही मुश्किल से टूटेगा बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन उतने ही मुश्किल से फ्री होंगे और उतने ही मुश्किल से डीलोकलाइज्ड होंगे इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्टेबल होता है, ओवरलैप के कारण होता है, और ओवरलैप की वजह से इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके साथ ना एक आपने क्वांटम पढ़ी है थोड़ी बहुत, क्वांटम, ये साई क्या होता है, नहीं इसको क्या बोलते हैं, नहीं ये फंक्शन है, बिल्कुल बेसिक में ना, एनर्जी तो आप बाद में बोलोगे ना इसको, ये क्या है, एक फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी चीज को. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये एनर्जी को ही करे. ठीक है, तो साई एक फंक्शन है. अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का. ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, दो हाइड्रोजन के बीच में, H2 है तो H2 में क्या होगा, एक हाइड्रोजन का 1s, दूसरे हाइड्रोजन का 1s, आपस में ओवरलैप करेंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे हम किसका, H1 का, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे हम H2 का. ठीक है, इसी तरह से होगा. अब अगर हम ये रिप्लेस कर दें कि पहला इलेक्ट्रॉन हम HA का ले लें, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, उल्टा कर दें कि पहला इलेक्ट्रॉन हम HB का ले लें, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम HA का ले लें, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते, क्योंकि सेम है हाइड्रोजन एटम, सेम है उसका इलेक्ट्रॉन, सेम है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सेम है. ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे इसकी दो प्रोबेबिलिटी बनती है, जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो दो प्रोबेबिलिटी बनती है. एक कि हमने H2 में, ये H2 मॉलिक्यूल है, H2 के अंदर एक को हमने लिखा है HA, दूसरे को लिखा है HB, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं HA का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं HB का, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे. दूसरा क्या बनेगा, HA का सेकेंड इलेक्ट्रॉन और HB का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ये क्वांटम है. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें जैसे आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है कि आपके किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की. ठीक है, मेन जो आप साई पढ़ते हो वो पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी है या नहीं है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. ठीक है, यानी ये साई जो है वो रिलेटेड होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन से, उसी से ही हमें एनर्जी गेन होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि किसी भी
बॉन्ड के बनने की जो टेंडेंसी होती है या उसका जो फंक्शन होता है वो दो अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलेगा। किस तरह से मिलेगा कि अगर हम हाइड्रोजन का पूरा एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम एच ए का लेते हैं, दूसरा अगर एच बी का लेते हैं, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा इसका जस्ट उल्टा बनता है कि ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन हम इसका ले लें और पहले वाला इलेक्ट्रॉन इसका ले लें। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कहाँ होता है, जब हम क्या करते हैं इसको साई फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। साई फंक्शन में क्या होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो तरह का होता है, एक साई प्लस की फॉर्म में लेते हैं और एक साई माइनस की फॉर्म में। प्लस की फॉर्म में क्या होता है, अगर ये दोनों जो हम अलग अलग पॉसिबिलिटी ले रहे हैं इन दोनों का अगर ओवरलैप होता है, ठीक है, तो साई फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे साई प्लस से लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को माइनस करते हैं यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको साई माइनस से लिखा जाएगा। जैसे हमने क्या किया था, पहले जब भी वीबीटी पढ़ी हमने तो वहां पे हमने क्या किया, ओवरलैप करवाया था एस और एस ऑर्बिटल का, है ना, पी और पी ऑर्बिटल का, डी और डी ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखते थे, रिएक्शन इस तरह से लिखते थे कि एक एस ऑर्बिटल प्लस दूसरा एस ऑर्बिटल, इन दोनों का ओवरलैप करवाया तो किस तरह का ऑर्बिटल बनता है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इस तरह से ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, इस तरह का शेप बनता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर एस माइनस एस कर दे तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप नहीं होगा। अगर हम क्या करें पी एक्स प्लस पी एक्स कर दे तो यहाँ पे क्या बनता है, हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और साइडों में क्या रह जाएगी कम, ये हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा पी एक्स और पी एक्स के ओवरलैप से। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी का उल्टा कर दें कि हम क्या कर दें, ये पी एक्स माइनस पी एक्स कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो बीच में ओवरलैप नहीं होगा, तो इससे क्या बनेगा, बीच वाला आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, नहीं पढ़े, चलो नहीं पढ़े तो इस तरह से होता है। ठीक है, जब भी हम एस और एस का ओवरलैप करवाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, बीच में दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे हमने लिया पी एक्स और पी एक्स, इन दोनों को आपस में ओवरलैप करवाते हो तो आपके क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल, अच्छा ये ऑर्बिटल बताते क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताते हैं ना, ये जो हमने शेप बनाया है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है कि ये इतना एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, इसको इस शेप में इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल शेप के अंदर होती है, गोलाकार आकृति में होती है, उस पूरे एरिया के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल इस तरह से बनाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर वो किस तरह से मिलेगी, बीच में आपको कोई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है इसलिए इसको नोड से बनाते हैं। ठीक है, इसको नोड लिखा जाता है, बीच का ये जो पॉइंट है इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। ठीक है, इधर और इधर दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है और कितनी है, किस कितने एरिया के अंदर है, तो इस एरिया के अंदर यानी इस डंबल शेप के अंदर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है कहां पर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एस है, इन दोनों को आपस में ओवरलैप करवाते हैं तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप आपस में जब भी ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह से करते हैं। ठीक है, यानी इस एरिया के अंदर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, दोनों का ओवरलैप हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो हम पूरा इसका इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते कि ये थोड़ा ऊंचा हो गया, है ना,
इस तरह से बनता है क्योंकि यहाँ पे ये एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ बिना ओवरलैप का बचा हुआ एरिया जो है वो ज्यादा है, ये एरिया कम है। कम होने की वजह से ही, वैसे तो ये कम होना चाहिए था और, लेकिन ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, ठीक है, सेम शेप का है, तो ये ओवरलैप ज्यादा करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, लगभग इस बाकी वाले पोर्शन के बराबर ही होगी। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये कौन सा स्ट्रोंग बनता है। ऐसे ही अगर हम इसको माइनस कर दें, यानी इन दोनों की डायरेक्शन को हम उल्टा कर दें, जैसे हमने उसमें किया था कि हमने कोलेजन करवाया था, ठीक है, कोलेजन करवाया था, तो उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए या ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया था कि एक तो आपका कोलेजन होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन उसका दूसरा फैक्टर और भी था, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या था कि वो एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन के अंदर टकराने चाहिए, ठीक है, उनका कोलिजन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या कहता है कि ये दोनों ऐसे डायरेक्शन में होने चाहिए कि इन दोनों का क्या हो, प्लस हो, यानी एक तरह का लोब एक साइड में हो तो इसका क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होगा तो इसका ओवरलैप ज्यादा होगा, लेकिन अगर माइनस कर दे, एस ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने आगे बनाया नहीं है, क्योंकि एस ऑर्बिटल चारों तरफ से सेम होता है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। और अगर माइनस होता भी है तो फिर यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। पी में ये पॉसिबिलिटी होती है, डी में भी ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। पी में क्या होता है, दोनों पी ऑर्बिटल अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो हम उसको प्लस करते हैं। प्लस करने का मतलब क्या है कि बीच में जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ये क्या करता है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देगा, यहाँ पे एक तरह से नोड बन जाएगा और बाकी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड में रह जाएगी, यानी आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंग नहीं बनेगा, ओवरलैप बहुत कम होगा, ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखती है कि दो तरह का कॉम्बिनेशन लिया है हमने हाइड्रोजन एटम का, तो अगर उसके साई फंक्शन की बात करें तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, एक क्या कि उसको हम प्लस कर दे ऑर्बिटल्स को, और एक क्या उसको माइनस कर दे। बस आपको तो थ्योरेटिकली लिखना है, उसमें कुछ भी डराइव नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे दो, ये वाले, एक तो साई वन और एक साई टू, ठीक है। साई वन क्या होगा, जिसके अंदर हमारा एच ए के पास पहला इलेक्ट्रॉन, एच बी के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, और साई टू क्या होगा, एच बी के पास पहला इलेक्ट्रॉन और एच ए के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। दो कॉम्बिनेशन या दो पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने की, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हम किससे दिखा रहे हैं, साई वन और साई टू से। अब ये जो साई वन और साई टू है ये आपस में या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह की, इसको तो आप इससे लिखोगे वन और टू, और इसको टू और वन, ठीक है। और साई प्लस और साई माइनस को किस तरह से लिखोगे, ये लिखा जाएगा ऐसे, साई प्लस का मतलब साई वन प्लस साई टू, ठीक है। जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं फंक्शन के अंदर तो उसके साथ में एक कांस्टेंट साथ में चलता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, एक सी वन एक सी टू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, साई माइनस करें, तो ये क्या होगा, सी वन साई वन माइनस सी टू साई टू, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, साई वन और साई टू की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ये साई वन की ये साई टू की, बस इतना सा है। आपको वैलेंस बैंड थ्योरी जो है वो अगर क्वांटम की फॉर्म में बतानी है तो इतना छोटा सा एक पार्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि जो ये साई फंक्शन है ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्बिटल के ओवरलैप की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है कि कहाँ पे ओवरलैप ज्यादा होगा, कहाँ पे ओवरलैप कम होगा, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। अब अगर यहाँ पर ये चीज हो रही है कि ये पॉजिटिव है, यानी प्लस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्शन का फोर्स दिखाएंगे, ठीक है। ये माइनस कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये रिपल्शन का फोर्स दिखाएंगे। तो अगर किसी ऑर्बिटल में या किसी मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो उसका एनर्जी डायग्राम किस तरह से बनता है, इस तरह से बनाते हैं ना कि पहले उनको पास पास लाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है और पास लाने पर, या फिर उल्टा दूर लेके जाने पे,
एक पॉइंट आएगा उसके बाद में उसमें अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा, उल्टा भी पॉसिबल होता है, ठीक है। और अगर रिपल्शन का है तो वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये चीज अपने कल वाली क्लास में लिखेंगे, ठीक है। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कल, और इसको कल ही लिखेंगे।